उस इमम माने उस, इन्होंने किया सोम स्वभाव वाले पुरुष को, पुरुष नहीं परमेश्वर को, सोम उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप में धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, अभी सब प्रकार, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने अहिंसनीय, धेनुए माने गौए, अभी अधन्या का अर्थ होता कुंवारी, जो कभी भी सांड के द्वारा टच ना की गई हो, सताई ना गई हो, अहिंसनीय। अब अधन्या माने बिना दणाई, यानी जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभी माने कभी भी, सब प्रकार से अधन्या यानी बिना दणाई, यानी कुंवारी गायों से गौओं से तृप्ति करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, शब्दों के कुछ ठीक कुछ गलत अर्थ करके अपना अनुवाद करके दर दिया, जनता इसको पढ़ती रही कुछ समझ में आया ना। उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो बालक रूप शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी उसको सब प्रकार से यानी अधन्य धेनु है, अभी अधन्या धेनुआ, सब प्रकार से यानी कुंवारी गांवों के द्वारा उसकी तृप्ति होती, उसकी पालन की पालन पोषण की लीला उस कुंवारी गायों से होती है। अब फिर हम आते हैं, अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 17 में। इसमें स्पष्ट किया कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता परमात्मा, फिर बड़ा होकर के अपने ज्ञान का उपदेश करता है वो, और उस ज्ञान के उपदेश में वो अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ये अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 को स्पष्ट करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। अब उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहो चाहे कबीर वाणी कहो, क्यों उस उन पुष्प परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से जो उच्चारण की है वाणी, उसके द्वारा वो अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है, लेकिन वो कबीर देव होता है। यहाँ देखो अब फिर आते हैं वहीं पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में। अब 96 का हम अब एक पढ़ चुके हैं कि आप अपने सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो आपका नाम है, ये गलत नाम है, आप उसका ज्ञान करें, इसका ज्ञान यहाँ करा रखा है। अब देखो देव माने परमेश्वर, ये खुद अर्थ कर रहे हैं देव माने परमेश्वर, हम कबीर देव कह देते हैं कबीर परमेश्वर। यहाँ देखो 17 में क्या कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम, जो शिशु रूप में जानबूझकर यहाँ प्रकट होता है और ज्ञान देने के उद्देश्य से वो परमात्मा आता है, तो उस समय वो अपनी महिमा की वाणी कबीर गिरभी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, कबीर या कबीर वाणी द्वारा, कबीर ही लिखा हम इसको, कबीर वाणी द्वारा और कवितव से, काव्यना माने कवितव से यानी कविताओं के माध्यम से बोलता है, और वो अमर प्रूप वो सोम अमर परमात्मा, वो सोमस्य तनुरसी, वो अमर पुरुष, और अपने ज्ञान को पवित्रम अत्यति, अत्यति मन अत्यधिक पवित्रता के साथ रेभन गर्जता हुआ वर्णन करता, तो ये वो ये लिखा है वो कबीर संत सोम, वो कबीर देव जो संत रूप में या ऋषि रूप में आता है वो अमर परमात्मा होता है। इस इन्होंने एक कवि का अर्थ कर दिया, दूसरे का कराया नहीं, इन्होंने सारा नाश कर दिया, जब ये सारा सेंटेंस है ख़त्म हो गया, इस सारे वैल्यू खत्म होगी इस मंत्र की, जहाँ इन्होंने एक इस कबीर देव का अर्थ नहीं किया, वो कबीर देव है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है जो संत रूप में प्रकट होता है, बड़ा होता है, संत कहो चाहे ऋषि कहो, साधु कहो, अच्छी आत्मा कहो। पर अब इस इसका यहाँ देखो 18 में वो कवि नाम पदवी कवि नाम ऋषि मना ये ऋषि करत, ऋषि मना ये ऋषि करत, जो संत रूप में जो परमात्मा यानी ऋषि रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि करत जो सेंसर अणित है, हजारों असंख्यों वाणियाँ हजारों वाणी जो बोलता है, वो ऋषि मना ऋषि स्वभाव के संत स्वभाव के भक्तों के लिए वो बहुत सबरसा माने बहुत आनंददायक होती हैं।
और वो परमात्मा कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है और वो तृतीयम धाम वो तीसरे धाम में विराजम अनुरादती सतुप शिष्य महिष शिष्य संत सोम। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है वो ऋषि रूप और वहाँ से चल कर आता है। यह देखिएगा इसका अनुवाद, अब वही 18वां मंत्र चला। सोम स्वरूप परमात्मा वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वह अवे ईश्वर है। 15वें अध्याय का गीता जी के 15वें अध्याय का 17वें श्लोक से संबंधित है। वह अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के उद्देश्य से जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत फंसा दिया, सिर्फ अपनी दानंद की अच्छी सोच को बनाए रखने के लिए वेदों का भी अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ भगवान की महिमा चल रही है, ज्ञान योगी से कोई लिंक नहीं, वो तीसरे लोक में है विराजमान है। बस ये ज्ञान योगी हटा दे यहाँ से, वो विराजमान है, वो तीसरे धाम में तृतीयम धाम विराजम तीसरे धाम में विराजमान है। ऋषिकृत देखो इसका अर्थ सब ज्ञानों का प्रदाता, ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई रचना की गई कबीर वाणी। ऋषि मना ऋषि जैसे संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो सेंस रणित है, अनंत प्रकार की सत्वनीय अनिथा माने वाणी होती है, हजारों प्रकार की वाणी। कवि नाम पदवी जो कांदर्शियों की पदवी कवि नाम है, कवियों में से एक पदवी प्राप्त करता है, प्रसिद्ध कवियों में से भी उसका मुख्य स्थान होता है। लेकिन वो होता है परमात्मा अपने आत्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने तीन मंत्र पढ़ लिए, इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है कबीर देव, और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है और उसके द्वारा बोली गई वह अमर वाणी, उनके द्वारा बनाई गई वह लोकयुक्तियाँ अमर वाणी की, उनके शिष्यों के ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16 और 17 और 18 आपने तीन मंत्र पढ़ लिए, इनमें स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर देव वो परमात्मा जो बालक रूप में प्रकट होता है और उसका नाम कबीर है कबीर देव, और वो जो बालक रूप में प्रकट होकर बड़ा होता है वो संत या ऋषि पर के रूप में जाना जाता है। वो फिर अपनी महिमा की वाणी यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान वो कविताओं के माध्यम से दोहों के माध्यम से वर्णित करता है। लेकिन वो होता है परमात्मा कबीर देव ही, अमर पुरुष होता है वो कबीर देव, अमर पुरुष होता है, और उसके द्वारा बोली गई वह अमर वाणी, उनके द्वारा बनाई गई वह लोकयुक्तियाँ अमर वाणी की, उनके शिष्यों के ऋषि मना साधु संत भक्तों के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर होती हैं, प्रिय होती हैं, और वो परमात्मा तीसरे लोक में विराजमान है। और देखो फिर आगे 19 में और 20 में और कमाल कर रखा है अपने आत्मा। कहते हैं सच्चाई को कुछ दिन दबा तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 आपने पढ़ लिया कि वो तीसरे धाम में विराजमान है।
बस अब 19 में देखो कमाल है। वह चौथा परम पद परमात्मा है। अभी इन्होंने तो अपने हिसाब से कर दिया। यहां लिखता महापुरुष उक्त चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब ये नहीं होगा भगवान एक है अनेक नहीं, और यहां लिख रखा कि चौथे परमात्मा तुरीय, तुरीय माने, तुरीय माने चौथा, यहां इन अनुवाद में भी तुरीय लिख दिया, चौथा ना लिखा कदे थारी बात का खंडन हो जाए, अक्षर पता लग जाए, तुरीय लिख दिया। वो चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है। अब यहां लिखा है इस मूल संस्कृत में ये समुद्रम, समुद्रम तुरियम धाम। समुद्र माने जैसे समुद्र सब जल का स्रोत होता है, ऐसे सब का उप स्रोत परमात्मा रूपी समुद्र उस परमात्मा में से जो तुरीय धाम और चौथे धाम में विराजमान, ये अकै लोक की तरफ संकेत है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और चौथा है ये अकै लोक, वो समुद्र रूप यानी जहाँ से पर सभी का निकास हुआ है, वो अकै लोक के अंदर वो अमर पुरुष पूर्ण परमात्मा चौथे धाम में रहता है। वो चौथा भगवान सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, ये छुप भी नहीं, इनसे दब भी नहीं पा रही। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, समुद्र का अर्थ इन्होंने कहा है कि जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह है तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। धाम माने चौथा धाम है। और फिर ये खुद कह रहे हैं कि उक्त महापुरुष उस चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अब चौथा परमात्मा भी है और चौथा धाम भी है, वास्तविकता तो ये है, स्पष्ट हो रही सारी कहानी। जो सर्वशक्तिमान यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी वो चल के आता है शीघ्र गति, एक अगर सर्वव्यापक है तो पहले ही वहाँ विद्यमान है, फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी भगवान की, और सबका संसार का उत्पादक है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होगी। अब इन्होंने एक और स्पष्ट किया है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 2 और इसका मंत्र नंबर 5 नीचे है। हे परमात्मन आप समुद्र रूप हैं, ये देखो आप समुद्र रूप हैं, या इन्होंने इसका विवरण किया है सज्ञम समग्ञ दर्वंती आपो यस्मात् स समुद्र, जिसकी शक्ति से जल आदि सब पदार्थ सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसका नाम समुद्र है। इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है, आ गया ना, इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है। तो यहाँ ये समुद्र शब्द है इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 19 में। समुद्रम तुरियम धामम, वो चौथे धाम में और चौथा भगवान समुद्र माने परमात्मा, यहाँ कोड वर्ड है, यो अलंकार है इसमें कि वो परमात्मा जैसे सबका समुद्र से सबका निकास होता है, ऐसे उस सबका निकास जहाँ से हुआ वो चौथे धाम में विराजमान है। अपने आत्मा सच्चाई ऐसे प्रकट हो रही है अब, जैसे समुद्र जाल मार के मोती बार फेंक दिया करे, कबीर परमेश्वर ने जाल मार दी हमारे लिए, ज्ञान हमारे समक्ष रख दिया। अब प्रकृति के सूक्ष्म रूप शक्तियों के साथ जो संगत करता है, समुद्र का अर्थ है वो समुद्र, वह परमात्मा जिससे सब का निकास हुआ है, वह तुरियम धामम चौथे धाम में विराजमान है। वो चौथे धाम में, चौथे धाम में है, वहाँ रहता है, और वो चौथा ही भगवान है। यह देखो महापुरुष उक्त तुरीय माने चौथे, ये तुरीय माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता है, यानी जो सही संत होगा वो बतावेगा चौथे और सब भगवानों के बारे में। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वोपरि सबसे ऊपर है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों भक्तों को तृप्त करके